स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि आपको रोज नए अपडेट मिलते रहे। तो पहली बड़ी खबर है, बड़ी मछली बड़ा दाम। 300 रुपए के भाव में बिकी 80 किलो वजनी मछली। कबीरधाम के मध्यम सिंचाई परियोजना सरोदा बांध में सोमवार को मिली बड़ी मछली कवर्धा के मटन मार्केट में 300 रुपए प्रति किलो के भाव से खूब बिकी। औसतन मार्केट में मछलियां 120, 160, 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। मछली खाने के शौकीनों में इस बात की भी खुशी देखने को मिली कि उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी मछली की दावत उड़ाने का मौका मिला है। उल्लेखनीय है कि बीते सोमवार को मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए सरोदा बांध में सुबह जाल फैलाया था, जिसमें करीब 80 किलो की आदमकद मछली फंसी थी। मछली का आकार और वजन इतना ज्यादा था कि इसे पानी से बाहर निकालने में ही कई लोगों की मदद लेनी पड़ी थी। बाद में इस बात की जानकारी मछली पालन विभाग के सहायक संचालक आरडी सिंह को भी दी गई थी, जिस पर उन्होंने बताया कि कवर्धा शहर के समीप मध्यम जलाशय सरोदा बांध समितियों द्वारा मछली पालन किया जाता है। इससे पहले इस बांध से 45 किलो वजनी बड़ी मछली मिली चुकी है, लेकिन इस बार 80 किलोग्राम की मछली इस बांध से मिलना आश्चर्यजनक है। उन्होंने बताया कि इस 80 किलो वजनी मछली ब्लैक कॉर्न प्रजाति की थी। 80 किलोग्राम वजनी मछली पकड़ने वाले राजा मल्लाह ने बताया कि इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। जब हम लोग इसे पकड़कर डैम से बाहर निकाले तो देखने वालों की भीड़ बहुत थी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, डहरिया की पत्नी की मुश्किलें बढ़ी। नगम निगम ने जारी किया नोटिस, 72 घंटे में भवन खाली करने के आदेश। रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया का एक सामुदायिक भवन पर कब्जा होने के मामले में 2 दिन से नगर निगम में हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच पूर्व मंत्री शिव डहरिया और उनकी पत्नी शकुन डहरिया को बड़ा झटका मिला है। नगर निगम ने उन्हें 72 घंटे के भीतर भवन को कब्जा मुक्त करने नोटिस जारी किया है। नगर निगम ने राजश्री सद्भावना समिति की अध्यक्ष शकुन डहरिया को नोटिस जारी किया है। नोटिस ने निगम समिति के आधिपत्य को विधि विरुद्ध बताया है और कहा है कि राजश्री सद्भावना समिति को आधिपत्य नहीं दिया गया है, इसलिए 72 घंटे के भीतर उन्हें भवन खाली करने को कहा गया है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने इस पर दावा किया था, निगम ने खारिज कर दिया है, जिसमें शिव डहरिया ने MIC से स्वीकृति मिलने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि प्रस्ताव सामान्य सभा से पारित नहीं हुआ था। पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया पर रायपुर के शताब्दी नगर स्थित सामुदायिक भवन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। पूर्व मंत्री की पत्नी की यहां इतनी चलती है कि उन्होंने भवन के रंग रोगन पर 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यहां आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। ये सामुदायिक भवन किसी सचिव के कार्यालय से कम नहीं है। आलम यह है कि आम सभा में इस मुद्दे पर खूब हंगामा होने के बाद सभापति प्रमोद ने पूर्व मंत्री का नाम चर्चा से विलोपित कर दिया। इस यहां 50 लाख रुपए से ज्यादा लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से LED TV, वार्डरोब, फ्रिज, अलमारी, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रिंटर सहित तमाम वो सुविधाएं हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया पर सामुदायिक भवन कब्जा का आरोप लगने के बाद इस पर अपनी सफाई देते हुए उन्होंने कहा है कि ये MIC से स्वीकृत हुआ है, महापौर के दस्तखत भी हुए हैं। सरकारी जमीन पर नहीं बनाया गया, जमीन सोसाइटी की है, सोसाइटी के जरिए समिति के पास दिया गया है, मुझे लगातार टारगेट किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी घोषणाएं। 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू होंगे। 119 करोड़ में बनेगा सरगुजा मेडिकल कॉलेज का भवन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सदन को बताया कि रिमोट एरिया में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की जाएगी। इसका फायदा बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में मिलेगा। वहीं सरगुजा मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए 119 करोड़ रुपए का प्रावधान विभाग के बजट में रखा गया है। इसके अलावा प्रदेश के 6 जिला अस्पतालों को आदर्श अस्पताल बनाया जाएगा। साथ ही 5 नए जिलों में मुख्य चिकित्सा कार्यालय शुरू किए जाएंगे। 165 पदों का सृजन किया जाएगा। खड़गवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू होगा। कुरुद CHC को 50 से 100 बिस्तरों वाला बनाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि बजट में रिमोट एरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू किए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर एयरपोर्ट में स्वास्थ्य केंद्र शुरू किया जाएगा।
शहरी स्वास्थ्य केंद्र में मनोरोग विशेषज्ञ, नशा मुक्ति काउंसलिंग, योग विशेषज्ञ सेवा देंगे। 12 जिला अस्पतालों और 95 CHC को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक में शामिल किए जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में PHC में 300 लैब टेक्नीशियन के पदों का सृजन किया जाएगा। साथ ही शहीद वीर नारायण आयुष्मान स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सदन को आगे बताया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को सरगुजा के बाद बस्तर में शुरू किया जाएगा। साथ ही सरकार डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही रोबोट डॉक्टर टेक्नोलॉजी शुरू की जाएगी और विदेशों से डेमो देने के लिए जल्द ही विशेषज्ञ आएंगे। वहीं मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 50-50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही सूरजपुर में आयुष पॉलीक्लिनिक शुरू किया जाएगा और 4 जिलों में आयुर्वेद जिला चिकित्सालय खोले जाएंगे। वहीं नेशनल हाईवे में ट्रॉमा सेंटर शुरू किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। शाह बोले, दुनिया के तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बनेंगे। जांजगीर में कहा, कश्मीर में सालों से परेशान करने वाला 370 का नासूर हमने खत्म किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर दौरे पर विजय संकल्प शंखनाद रैली को उन्होंने संबोधित किया, जहां उन्होंने 370, सर्जिकल स्ट्राइक, अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार की सफलता गिनाई। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद हम दुनिया के तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बन जाएंगे। साथ ही शाह ने कहा कि कश्मीर में सालों से परेशान करने वाला 370 का नासूर हमने खत्म किया है। शाह इससे पहले कोंडागांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बस्तर क्लस्टर की बैठक ली। शाह ने कहा कि 2 महीने में 20% मोदी की गारंटी साया सरकार ने छत्तीसगढ़ में पूरी कर ली है। मैं विश्वास दिलाता हूँ मोदी की हर गारंटी पूरी होगी। वहीं केंद्र की मोदी सरकार भी 5 लाख तक इलाज का खर्चा उठा रही है। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय केंद्र सरकार ने बनाए, इसमें से छत्तीसगढ़ में ही 38 लाख शौचालय बने। मैं राम के ननिहाल में आया हूँ। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने 550 साल से लटके मसले को 75 साल में खत्म नहीं किया। अब मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर इस मसले को भी खत्म किया है। मैं आप लोगों से भी वादा लेकर जाना चाहता हूँ, कभी एक कभी दो सीट आप लोग कम कर देते हो, वादा कीजिए। इस बार 11 की 11 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। जशपुर में ट्रैक्टर पलटने से छात्र की मौत। स्कूल में विदाई समारोह के बाद घर जाते समय हुआ हादसा, 3 बच्चे घायल। जशपुर जिले में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे एक छात्र की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 छात्र घायल है। बताया जा रहा है कि ये छात्र स्कूल में आयोजित विदाई समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। घटना कांसाबेल थाना क्षेत्र के उप गींचा गांव की है। जानकारी के अनुसार खुंडगांव के सरकारी हाई स्कूल में गुरुवार को कक्षा 12वीं के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित किया गया था। विदाई समारोह के बाद 11वीं का छात्र शिव रतन राम मृतक अपने 3 साथियों के साथ वापस घर वापस जाने के लिए ट्रैक्टर में सवार हो गए। इसी दौरान उप गींचा के पास में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे छात्र शिव इंजी और स्टीयरिंग के बीच दब गया। वहीं 3 बच्चे दूर फेंका गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इंजन के नीचे दबे छात्र को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम गई थी। घटना की सूचना पर कांसाबेल पुलिस को दी गई। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र सिन्हा का कहना है कि मामले में विस्तृत रिपोर्ट BO से मंगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। चावल चोरी मामले में 2 गिरफ्तार। शिकायत दर्ज करवाने वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पति ही निकले चोर। छत्तीसगढ़ के कोरिया में चावल की चोरी को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक अब भी फरार चल रहा है। खास बात यह है कि चावल चोरी करने वालों में समिति के ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पति है। कुछ दिन पहले समिति के अध्यक्ष ने इस मामले में झूठी शिकायत दर्ज करवाई, यानी खुद चोरी करके चोरी की शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी। उल्लेखनीय है कि 5 फरवरी को सहकारी समिति चेरवापारा के अध्यक्ष ने समिति के उचित मूल्य की दुकान से 150 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल 50 किलो शक्कर के चोरी होने की शिकायत कोरिया जिले के चर्चा थाने में लिखवाई थी। उस वक्त कहा गया था कि आरोपियों ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी की है, लेकिन बाद में पता चला कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पति ने इस कारनामे को अंजाम दिया है। इस मामले की जानकारी मिलते ही SP सूरज सिंह परिहार ने आरोपियों को गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए। जांच के दौरान पता चला कि उस समिति के उपाध्यक्ष का पति राजेश कुरे, जो POS मशीन चलाता था,
वो जून 2022 से उचित मूल्य के दुकान का राशन हर महीने 10 या 15 क्विंटल करके गांव के छोटे व्यापारियों को बिक्री कर देता था, लेकिन दुकान के हितग्राहियों को फर्जी तरीके से एक महीने बाद उनका राशन भुगतान करता था। 2022 से शुरू हुआ ये खेल जनवरी 2024 तक पहुंच गया, लेकिन किसी का इस तरफ ध्यान नहीं गया। अध्यक्ष उमाशंकर सिंह और समिति के उपाध्यक्ष के पति राजेश कुर्रे ने षड्यंत्र रचकर खुद दुकान में लगे ताले को तोड़कर चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि अध्यक्ष उमाशंकर को धारा 409 और 120B के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही चावल खरीदने वाले आरोपी राम गुलाब साहू को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन समिति के उपाध्यक्ष का पति राजेश कुर्रे अभी भी फरार है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, राजधानी के मैग्नेटो मॉल में अचानक घुसे NSG के ब्लैक कैट कमांडो, जवानों को गन के साथ देखकर चौंके लोग। राजधानी के मैग्नेटो मॉल में हथियारों से लैस होकर NSG के ब्लैक कैट कमांडो अचानक पहुंच गए। जवानों को देखकर लोग दंग रह गए। बता दें कि रायपुर में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के ब्लैक कैट कमांडो मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जहां गुरुवार को मशीन गन बम स्क्वाड डॉग टीम के साथ कमांडो मैग्नेटो मॉल में घुसे। पिछले 3 दिनों से रायपुर में आतंकी हमले से बचाने का मिशन चलाया जा रहा है। सबसे पहले नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में कमांडोज पहुंचे। यहां मंत्रियों और प्रदेश सरकार के अधिकारियों का आना जाना होता है। NSG की टीम ने इस पूरी बिल्डिंग को अपने कब्जे में लिया। हर माले पर जाकर चेकिंग की गई। इसके बाद कमांडोज की टुकड़ी मंत्रालय परिसर में पहुंची। यहां भी मंत्रालय बिल्डिंग के मुख्य हिस्सों की जांच की। टीम ने ये देखा कि यदि कुछ लोगों को बंधक बना लिया जाए तो टीम इस बिल्डिंग में कैसे ऑपरेट करेगी, फायरिंग की दशा में क्या हालात बन सकते हैं। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कमांडोज ने इन हिस्सों में ट्रेनिंग की। NSG के कमांडो जब इस तरह की मॉक ड्रिल करते हैं तो युद्ध जैसे हालातों को ध्यान में रखकर ट्रेनिंग करते हैं। कमांडोज को काल्पनिक सिचुएशन दी जाती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, महतारी वंदन के लिए अनूठा आवेदन, फॉर्म भरकर कहा मेरे घर कोई महिला नहीं तो मुझे मिले योजना का लाभ। पेंड्रा, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आते ही चारों ओर महतारी वंदन योजना की चर्चा चल रही है। प्रदेश में 72 लाख से भी अधिक महिलाओं ने इस योजना का लाभ पाने के लिए फॉर्म भरा है, लेकिन पेंड्रा में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक पुरुष ने भी योजना के लिए फॉर्म भरकर खुद को योजना के लिए पात्र बताया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना शुरू की गई है। ये योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है, लेकिन इस योजना के लिए एक आवेदन ऐसा आया जो कि किसी महतारी का नहीं बल्कि पुरुष का है। दरअसल पास के एक गांव के रहने वाले कमल सिंह कंवर ने महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन जब दिया तो पहले तो लोगों ने समझाया कि ये आवेदन नहीं लिया जा सकता। क्या नाम भैया? कमल सिंह, कलम सिंह। आगे स्थानीय कर्मचारियों को आवेदन लेना फॉर्म भरा है। जी भरा है सर। का दावा था कि उसके घर हमारा तर्क है सर कि परिवार का राशन कार्ड, महिला तो मेरे साथ में नहीं है, परिवार है, परिवार का मुखिया हूँ मैं, तो मेरा मतलब है कि जो भाई मेरे परिवार में महिला होती तो उसके जगह अपनी जगह भर्ती पर नहीं, योजना का लाभ मिलता ही। ऐसे में जब राशन कार्ड उसके नाम पर बन सकता है तो इस योजना का लाभ अब उसको मिलना चाहिए। कमल सिंह के आवेदन को सॉफ्टवेयर ने ही नहीं लिया और होने के कारण मैं परिवार का मुखिया होने के कारण मतलब मैं अपना फॉर्म भरा हूँ सर महतारी बनने में। शर्तों में केवल 21 साल से ऊपर की महिलाओं और महिलाओं को इस योजना का पात्र माना गया है। महिला का अधिकार लेना चाहिए नहीं तो महिला नहीं सर, अब परिवार मैं परिवार के हिसाब से और राशन कार्ड मेरे नाम से है, इसको मानते हुए राशन कार्ड के आधार पर और ये सब फॉर्म भरे उसके आधार पर भर दिया हूं सर। अब जो भी अब शासन ने इस आग से जलकर नहीं हुई थी बैगा परिवार की मौत, जमीन विवाद में 14 लोगों ने मिलकर मार डाला, सभी पकड़े गए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नागाडबरा में 3 बैगाओं की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस घटना को अंजाम देने वाले एक नाबालिग समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें 14 जनवरी को कुकदूर थाना अंतर्गत नागाडबरा में पति पत्नी और बच्चा समेत 3 बैगाओं लाश मिली थी। तीनों की लाश बुरी तरह से जली हुई थी, इसलिए ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि तीनों ने जलकर आत्महत्या की है या फिर किसी ने साजिश करके इन्हें जान से मार दिया है। दरअसल पुलिस को घटनास्थल पर कुल्हाड़ी और खून के छींटे मिले थे। हालांकि इस घटना के 34 दिन बाद फोरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि बैगाओं की हत्या की गई है। SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि जमीन विवाद के चलते पति पत्नी और बच्चे को मौत के घाट उतारा गया था, जिसमें एक नाबालिग समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आरोपियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। इस घटना के दिन गांव में छट्टी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान जमीन विवाद को लेकर मृतक और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था। विवाद के बीच कुल्हाड़ी से हमला कर बैगांव की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक पड़ोस में रहने वाली महिला से जब पूछताछ की गई तो उसने पहली बार तो कुछ भी नहीं बताया, लेकिन दूसरी बार में कहा कि रात के वक्त जब वो टॉयलेट के लिए गई थी तब उसे बचाओ बचाओ की आवाज आई थी। पुलिस ने उससे पूछ की ये सब उसने पहले क्यों नहीं बताया था तो उसने बोल की वो डर गई थी, क्योंकि जो लोग हत्या कर सकते हैं वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।